उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो। ये मम्मी सारी तरह किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ए थैंक यू। हम लोग के साथ मिलके कैसा फील हुआ? दीदी बस ऐसे ही आप स्माइल करते रहो दीदी, सच्ची बताता हूँ। भगवान करे आपकी खुशियाँ हमेशा आपके पास आए। मम्मी बात कर लो। तो दीदी और सब अपना बारे में सुनाइए, आप पूछिए मुझे पूछना, बताइए और सब अपना खबर हाल चाल बताइए। मेरा हाल चाल सब देख रहे हैं, हर रोज की बात है ना, जो दिख रहे हैं वही हाल चाल है मेरा। पास में रहती था आपके लिए प्यास में क्या मैं करती, लेकिन क्या करूँ मैं बहुत दूर हूँ। दिल से नजदीक समझना, दूर जरूर तो प्रॉमिस किया है, अगर हम प्रॉमिस को पूरा ना करें फिर आप सोचना तीन दिन में आपका प्रॉमिस पूरा करेंगे दीदी। देने से ही नहीं होता, लेकिन इंसान को दिल से समझना चाहिए कि कौन कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कौन किसके लायक है या फिर थे। क्योंकि प्यार वैसा कुछ चीज है जो जो कि बहुत दिन से आपका वीडियो देखते हैं ना, तो बहुत दिन से सोच रहे थे आप जाएंगे दीदी के पास जाएंगे। आज कल ही बोले बेटा को कि चलो, कल ये कपड़ा उपड़ा खरीद के आपको लिए लेके आए, लेकिन सब भाग नसीब हुआ कि बिस्तर पर ही पड़ा रह गया। वीडियो अच्छा आप बिस्तर पे थे? नहीं ना, जब बिस्तर पर रखे ना कपड़ा प्लास्टिक में करके और बैग उठाए और वो वहीं जब ट्रेन में बैठ गए तो याद आया तो अच्छा भूल गए लाने के लिए, तो इसीलिए बोल रहे कि है और नाइटी और खरीद के उसमें मिला के बाबू से भेज देंगे। ये तो देख लिया है ना आपका घर, अब तो आ जाएगा ये लेकर। और आपको क्या क्या लगेगा वो बता दीजिए, क्या क्या जरूरी है? मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा क्या क्या चाहिए, जो जो बहुत एकदम कंपलसरी है ना, एकदम नीड जरूरत সালোয়ার নিয়ে আসে না, কেন সালোয়ার তো আর এখন পরি না, হয়তো সেরকম চিন্তা করে বা আনে না, সেটা আমি জানি না কি ব্যাপার। তো সালোয়ার আনলে হয়তো বাড়িতে পড়লাম, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু সুট আর লেগিংস আর সুট দুটোই পা। যদি সালোয়ার আনে না না ওইটা লেগিংস না প্লাজো মতো সালোয়ার শাহিদ আপকো মালুম নেই হ্যাঁ শাহিদ আপকো মালুম নেই कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नाइट की साड़ी लेके आएंगे ना तो उसके साथ जो ब्लाउज जो भी पहनता है एक मतलब एक एक कॉम्बो या फिर को बोलना तो अच्छी बात होती है, लेकिन सबको नहीं बोला जाता ना, लेकिन कभी कभी मजबूरी से बोलना। ठीक है ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, खुलकर बात कीजिए, खुलकर तो बात कर रहे हैं, खुलकर बात कीजिए। तो इंसान क्या उसका फायदा उठाना चाहता है। मैं किसी को मैं अपना समझ के बात करके अपना दिल की बात बताओ तो भी उसको मतलब समझने में वो बहुत दिक्कत बनाते हैं। और एक बात है कि अगर मैं किसी से प्यार से पेश आऊँ तो वो समझता है कि मुझे उसको कुछ भी करना आसान हो जाता है, यानी उसका मैंने क्या गुलाम बनाना समझते है आसान। तो ये जो बातें होती है ऐसा नहीं, बहुत धीक की बात दीदी, वो बात सब जो करता है गलत करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक इंसान, जब मैं अपने पर लेती हूँ, मैं अगर मजबूर हूँ किसी का मुझे सहारा का जरूरत है, अगर वो सहारा दे रहा है तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है।
बात तो सही है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी सहारे मतलब बहुत खूब बहुत सहारे को भी बेसहारा कर देता है। हाँ, वो कौन करता है, इंसान इंसान जानवर से भी बहुत खराब होता है, है कि नहीं, बोलता है कि पहले अर्श से फर्श तक ले जाते हैं, फर्श से फिर अर्श में धकेल देता है। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है ना, इंसान का रूप कैसा होता है, क्या इंसान के अंदर इंसानियत रहता है या फिर है, या मानुषर मध्य मानुषत्व यदि थाके बा मानुषरा यदि मानुषर मत आचरण करे अवश्य সেখানে সেরম মানুষ তাদের মধ্যে কোনো অশান্তি যায় না, মানে ভালোবাসা প্যার বাড়তে হয়। লেকিন যাহা পে হিংসা জুলুম আর কি জলন হতে হয়, মানে ও আচ্ছি হয় তো উসকো কিস তরহ সে ধাক্কা দিয়া যায়। বাস 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 বাস, ওই আপনার সাথে তো মানে তো দেখতা না, ये हुआ था, हां देखिए तो शुरू से तो आप लोग को देख रहे हैं, आपको फॉलो कर किया जा रहा है, मेरा पूरा परिवार करता है आपको कमेंट। अरे अंडा भात खा रहा है वो, सब भी वीडियो है मेरे पास, हम लोग देखते हैं जो भी परिस्थिति है। हाँ, वो ही बताया होता है, लेकिन क्या है, जो लोग उतना इंसान को लेके इतना मतलब इतना कुछ उनका यानी मालिक को भी उतना याद नहीं करते, मगर इंसान को इतना ऊंचा तक पहुंचता, फिर उनको क्या उसका तस्वीर जो होता है वो पैर के तब दिखाना जरा, वो ममता बनर्जी का हालत, और फिर जो आप लोग बोलते हैं ना लता जी, उनके बारे में बताइए। जब उधर एक नया पोस्ट ऑफिस बनाया तो देखा कि जो जूना था ना पुराना, उसको तोड़ के एक नया बनाया, तो जो वो छोटा था उधर क्या किया, लता जी का फोटो लेके उधर हर लोग जाते थे, तो जो भी जाते थे वो कोई जेंट्स बोलो या फिर मतलब कोनो पुरुष बोलो या फिर महिला, सब ही उनार मैंने पायर तलाय रही थी देखा जाए। आशा भोसले यानी उसका जो बहन था वो और लता जी, तो किधर की तुम लोग उतना उसको लेके उतना बड़ाई किया, उतना कुछ कहा, लेकिन वो उसका देखो तो सच बोल रहा है, देखो ठीक ठीक है। तो क्या है ना कि इंसान किस तरह से इंसान से पेश आते हैं, मर सोचो कि मर चुकी है, जो मर चुकी है अभी उसका फोटो लेके तो कुछ फायदा नहीं है, वो मर चुकी है, तो अगर उनके लिए आप जिंदा जब रहेंगे उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे, प्यार से बातें करेंगे या फिर उनको प्यार से देखेंगे, तो वही जो आपने किया वो खुदा बोलो या फिर अल्लाह बोलो या फिर जीसस बोलो या जीसू बोलो, उनके पास पहुंचता है, क्योंकि वो देखता है हाँ वो इंसान किस तरह से पेश है। लेकिन कोई अच्छे इंसान को अगर आपने उसको नौकर बना के रखेंगे आप, फिर आप अच्छे इंसान को उसका कामयाबी तक पहुँचने में धकार देंगे, फेंकेंगे, तो उससे बड़ा गुना क्या हो सकता है। दीदी कहावत है ना कि तू ही राम है तू रही, मैं तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही बाहे गुरु तू इस मसहर नाम में तू समा रहा। हाँ, आपका ये सही ईश्वर, ईश्वर तो हर नाम में समाते हैं, होना चाहिए, ईश्वर तो हर नाम में समाते हैं, एक ईश्वर है लेकिन नाम अनेक है। वो तो बात सही, एक ईश्वर बात है। हाँ जी, तो दीदी एक आप तो बहुत सारा गाना गाती हैं, तो हम एक गाना बनाकर लेकर आए थे, सोचे कि जाएंगे तो रानू दीदी को देंगे, पर गाना रानू दीदी से गवाएंगे, तो वो योगी जी और मोदी जी का ऊपर है। ये बात कब से शुरू हुआ, मतलब आपका दिमाग में कभी से घुसा, मतलब आने के लिए हम बहुत दिन से गाएंगे, हम एक साल से आपसे मिलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर का ऐसा प्रॉब्लम है, फिर मेरा एक लड़का है उसका थोड़ा तबीयत इधर उधर रहता है, तो हमको मद्रास आना जाना पड़ता है, बहुत हम भी बहुत परेशानी में रहते हैं। मद्रास हाँ, हमेशा आना जाना, साल में दो बार आना जाना होता है, परेशान रहते हैं। उधर भाभी को भी मेरा कैंसर हो चुका है, तो उनको भी हम लोग लेकर गए थे उधर, तो हम लोग को बहुत परेशानी में, तो आ नहीं सकते, नहीं है ना, सभी नहीं है, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लेकर मुसीबत में, तो कल कल फटाक हम बोलो। लेकिन ये भी एक पूछने का बात क्यों, क्योंकि अपना कर्म का जो लिखा रहता है दीदी, वो तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे जिस रूप में हम लोग हो, तो हम वो गाना योगी जी और मोदी जी का ऊपर बनाए, सोचे कि रानू मंडल जी को थोड़ा सुनाएंगे और फिर उनको बोलेंगे गाने के लिए। अच्छा आप बताइए ये गाना, हमें गा के बताए ना, आप गाकर हम बताएं। हाँ। तो मेरे पास तो नहीं सुर है, नहीं ताल है, ना लिख लाए हम, नहीं सुर ताल नहीं, हमने याद करके ही लाए हैं, लेकिन मेरे तो हम पास ना सुर है ना ताल है, लिख लिया बनाना वो गाना, ऐसे हम गा के बता दिया। बहुत सारे लोग हैं ना, किसी का सुर लिखे, यानी कोई सुरकार का सुर लिखे, मैंने किसी का सुर नहीं लिया, लेकिन मुझे सुर ताल का, सुर ताल का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही गा देती हूँ, ऐसे ही बताती हूँ, और वो गाना फिर आप गाइएगा।
अगर आप मसूर दाल के बगैर जाते तो कैसे खाएंगे? आप देखिए तो सुनिए तो आप ठीक बैठा लीजिएगा ना, आप सूर बैठा लेंगे उसमें खास ले मोदी जी और योगी जी के ऊपर है। मोदी मोदी जी मोदी पीएम जो मेरे पीएम है प्रधानमंत्री जी है। अच्छा जी और योगी जी तो एक मोदी है जो दुकान में जाते हैं दुकानदार वो तो मोदी बोलते हैं। नहीं मोदी जी दुकान जहां पे है प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा जी बैठी रहती तो मेरा मन में ना दीदी कुछ ना कुछ चलते रहता है। मेरा बेटा लोग बोलता मम्मी तो क्या करे, एक सोनू जी का एक सोनू सूद है उनका ऊपर भी बनाई हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो लिखकर लेकर आएंगे तो आपको देंगे और सोनू सूद जी के ऊपर और एक योगी जी और मोदी जी के ऊपर बनाए हैं। तो देखिए गा रहे हैं, एक है योगी एक है मोदी दोनों ही देश के लाल है भैये दोनों ही देश के लाल, पल पल में करते हैं भैये दोनों तो कमाल, देश और विदेश में लगते हैं मोदी जी के जय जयकारे, देश और विदेश में लगते हैं मोदी जी के जय जयकारे, ऐसे मोदी जी है हमारे ऐसे मोदी जी है हमारे, जिस माने योगी और मोदी जैसे लाल को जन्म दिया, जिस माने योगी और मोदी जैसे लाल को जन्म दिया, उस माँ को हम करते हैं सत सत नमन, ऐसा भारत देश है मेरा ऐसा भारत देश है मेरा, जहाँ रहते हैं योगी और मोदी जैसे नेता, एक है योगी एक है मोदी। बस दीदी ये गाना बनाया तो ये हिंदी सुर से लिया सुर। हाँ तो मैं क्या बोली आपको, मुझे तो नहीं सुर का पता है ना ताल का पता, मैं तो कोई गायिका नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने लिया ना ये हिंदी फिल्म का सुर लिया है। हाँ तो इसीलिए तो मैं बोली ना दीदी आप गाओ, मुझे तो पता नहीं है सुर ताल का पता नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि ये गाना आप तो जरूर आप जो भी गाए, लेकिन इसमें तो सुर है लेकिन मुझे लगता है ये गाना लता जी ने गाया था लगता है या फिर उनके जैसा कोई। मुझे मैं तो ये गाना सुनी नहीं हूँ, मैं ये गाना खुद से बनाई हूँ। गाया होगा और सुर का नहीं मालूम, सुर तो मुझे बोले सुर ताल का तो मुझे मालूम नहीं है, अनुराधा जी आता पता ही नहीं है मुझे तो आप भाई का है जो भी गाया लेकिन आपने सुर लिया कोई हिंदी पिक्चर जो भी हो, तो मैं सोची कि जाऊं और रानू जी को मैं सुनाऊं और रानू जी को बोलूंगी कि आप ये गाना थोड़ा गाइए। नहीं नहीं मैंने ये गाना कभी गाया नहीं लेकिन मुझे मैं बनाई हूँ तो ये गाना तो अभी कभी हम सुने नहीं है जो आप गाएंगे। आपका जो भाषा है गाने का तो ठीक है, मतलब जो भी आप बोल रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन सुर आप हिंदी पिक्चर से लिया कैसे आप बनाएंगे गाना, कि मुझे तो सुर ताल का पता ही नहीं है कि सुर क्या होता है ताल क्या होता है, क्या है बस मेरा मन माया मैंने ये किया तो मैं सोची कि जाऊं रानू मंडल जी को बताऊं और आप एक गाना सुनाइए दीदी, बहुत अच्छी सी गाना है तेरी या तो एक प्यार का नगमा है। प्यार का नगमा थी ऐसा गाया उसमें क्योंकि है ही बोल के तो नहीं गाया, हमेशा प्यार का नगमा थी ये बोल के, क्योंकि हमेशा इंसान हमेशा थी पसंद करते हैं थी को, हाँ तो है को पसंद नहीं करते थी को ही पसंद करते, अगर है को पसंद करते तो बाय बाय बोलते हैं टाटा बोलते हैं है ना। नहीं दीदी ये बात है आप जैसे गाना जो बोले ना आप जाए देखिए ना सोचिए सही बात है। तो आप एक गाना सुनाइए दीदी, बहुत दूर से आए हैं कोलकाता से मिलने के लिए आपसे प्रश्न है। सो तो मैंने क्या बोलेगा ये जो बांग्ला गाना है ना अब हिंदी सुनाया ना तो हिंदी पिक्चर का सुर लिया तो मुझे ये गाना मुझे लगता है ठीक होगा क्योंकि ये तो किशोर जी ने गाया है, आई मीन किशोर कुमार जिसके नाम कहते हैं तो उन्होंने गाया है ना, तो उनका ही एक गाना मैं गा रही हूँ जैसे ये गाना आज दिन तक
মনের খাতায় লিখে রাখো আমায় পূর্বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো কাছে দূরে যেখানে থাকো আরেকটা হিন্দি গানটা একটা হিন্দি গানটা শুনি আরেকটা এটা বাংলা গান আমাদের একটা হিন্দি গানটা শুনিয়ে দিন আমরা आप जो भी गाना गाओगे उसमें आप तो कमा लो बस सही बात एक प्यार का नगमा जेटा को चलेना होता ही कोन हम्म बड़ा भले का है बट हेवी लगबे ना ना ये गाना ना ना एक ठीक माने ये गाना ठीक होबे क्या सुन हम्म दीदी मम्मी दोनों आप एक साथ गाएंगे ठीक है आप गाइए गाना डुएट है अगर डुएट गाना लेकिन जब आप गाएंगे तो दोनों का स्केल अलग है ना ठीक है दीदी दीदी मानना पड़ेगा हां ठीक है आप गाइए राणा जी तुम करो गुल गाना करो हां अच्छा ये तो डुएट तो तुम ये डुएट एक जन का ऑन कर दो तुम ना वही गाना को जो गाना को वही गाना करो দিল দিয়া হে জান ভি দেঙ্গে এ বতন তেরে ওই গানটা কর এই গানটা কর হ্যাঁ ঠিক আছে রাজি কর আমাদের দুজনে ভিডিও করবে রাহুল তাতে না